तीन औरतें आई हैं और उन्होंने इसको बेचारी को यहाँ पे छोड़ा है और वो निकल गई हैं। कहाँ से आई है? किधर है? छोड़ गई है? जनाब इस तरह ही बच्चियों को छोड़ के चले जाते हैं इतने लोग जी, इस तरह ही करते हैं। पता नहीं जालम लोग ने, अब ये खुदा की पैदावार है, इस तरह नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। ये बच्ची है बेचारी, बेटा कहाँ से आई हो ये तो बता दो, कहाँ से आई? अम्मी के पास। यहाँ पे तीन से चार औरतों का एक ग्रोह है जो कि बाहर से लड़कियों को यहाँ पर लाती हैं और ला के उनको बेच देती हैं। अब ये भी शायद वो ऐसे ही है भाई, ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है भाई, ऐसे ही होता है यहाँ सर। ऐसे ही बाहर से आते हैं, उनको चक्कर चुकर दे के ले आते हैं, यहाँ आके आके सेल कर देते हैं। कहाँ से आई हो बेटा? कहाँ से आई? किधर है? छोड़ गई है? छोड़ गई है? बेटा छोड़ गई है? छोड़ गई है। नाजिन ये हालात है जी, और ये देख ले जी, इस बच्ची को यहाँ पे छोड़ के और इसके घर ये कपड़े ही पकड़े हुए हैं इसने, ये कपड़े भी हैं आपके पास, कपड़े भी हैं। देखें जी रो रही है बेचारी। कहाँ से आई हो बेटा? कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो बेटा? कहाँ से आई हो बेटा? कहाँ से आई हो? ये जी हालात हैं। नाजिर ये देख लें, ये बेचारी लड़की है और इसके माँ बाप इस बच्ची को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रही। लेकिन ये हालात हैं जी, ये दरबार के बाहर बैठी हुई थी और रो रही है, और कब से ही यहाँ पर बैठी हुई है। इसके वालदैन यहाँ, इसको कौन यहाँ पे छोड़ गया, कहाँ से आई हुई है, कोई पता नहीं है। कहाँ से आई हो, बात कर सकती हो? कहाँ से आई हो जनाब? इस तरह ही बच्चियों को छोड़ के चले जाते हैं इतने लोग जी, इस तरह ही करते हैं। पता नहीं जालम लोग ने अपनियां ही जाइयां बच्चियां, पागल ने, गुंगियां ने, पैरियां ने, ये जो ही ने, ये खुदा की पैदावार है, इस तरह नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। हूँ इस गरीबनी का कि ना बोल सकती, ना कू सकती, कुछ नहीं कर सकती। वालदैन छड़ के चले गए? हाँ जी बिल्कुल छड़ के चले गए। तो नाज़रीन ये भाई बता रहे हैं कि तीन औरतें थी और उन्होंने इसको यहाँ पे छोड़ा है और वो निकल गए यहाँ से। सर इस तरह ही लोग इस तरह ही कर देने भैया, बच्चे छड़ के चले गए। समझ में नहीं आई, एक गंडे से होते चिंची थे खलोए बैठी सी उठे। अच्छा और रोई जा रही है? तीन औरतें आई हैं और उन्होंने इसको बेचारी को यहाँ पे छोड़ा है और वो निकल गई हैं। अब ये हालात देखें, अब बेटा कहाँ से आई हो मुझे ये तो बताओ, कहाँ से? बात नहीं हो रही बेचारी से। ये देखें जी, ये दिखाएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक। यार लोग बच्चियों को यहाँ पे छोड़ के निकल जाते हैं। मेरे सामने चार लेडीज आई हैं, इनका हैंड पकड़ यहाँ से रोड क्रॉस की है, यहाँ छोड़ के आगे चली गई हैं। वो यहाँ से छोड़ के निकल गई हैं? निकल गई हैं। अब देखें जी, वो भाई बता रहे हैं, सामने खड़ा हुआ था मैंने देखा, वो यहाँ से उनका हाथ छोड़ा उन्होंने, वो आगे चले गई आगे दरबार में। यानी कि नासिर यहाँ पर एक ग्रोह है, और हमें पहले भी शिकायत थी कि यहाँ पे तीन से चार औरतों का एक ग्रोह है जो कि बाहर से लड़कियों को यहाँ पर लाती हैं और ला के उनको बेच देती हैं। अब ये भी शायद वो ऐसे ही है भाई, ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है भाई, ऐसे ही होता है यहाँ। यहाँ बच्चे छोड़ के चले जाती हैं, फिर वो और कोई और आके ले जाता है। ये सब पता नहीं क्या चक्कर इन्होंने डाला हुआ इधर, ये पूरे इस एरिया में, पूरे एरिया के, हाँ पूरे एरिया के अंदर इंतजामिया पुलिस खामोश तमाशा करनी है भाई। इधर आप खुद देख रहे हैं, कोई आपको पुलिस वाला नजर आ रहा है, कोई इंतजामिया नजर आ रहा है, कोई चक्कर नहीं है इधर। ये बस ये सब इधर निजाम उल्ट पुल्ट है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे यार, ये बच्चियों को यहाँ पर लाते हैं और छोड़ जाते हैं, फिर उसको बेच देते हैं आगे। अब वो बता रहे हैं लोग कि तीन से चार औरतें आई हैं, इसको छोड़ के चले गई हैं। सर ऐसा ही बाहर से आते हैं, उनको चक्कर चुक्कर दे के ले आते हैं, यहाँ आके आगे सेल कर देते हैं। अब नाजिन ये देखें, ये बच्ची है बेचारी, बेटा कहाँ से आई हो ये तो बता दो, कहाँ से आई? अम्मी के पास। नाजिन ये बात नहीं इससे और बेचारी, कहाँ से आई हो? कहाँ से आई है? वो जो नाजिन है, अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, बेटा कहाँ से आई हो मुझे ये तो? हजरत साहब अच्छी चीज से नहीं है, तीन तो चार औरतें इन्हें छड़ के चली गई ने, तीन तो चार औरतों के ग्रोह है जेड़ा कि बाहरों लड़कियां लेके आते हैं, इतने बेच देते हैं लिया। सर बहुत बड़ी ज्यादती है, इंतजामिया खामोश है, इंतजामिया ना फर्ज है, इन्हों करना चाहिए।
लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात। वो भाई बता रहे हैं 3-4 औरतें थी, वो इसको लेके आए यहाँ पर छोड़ा और वो खुद फरार हो गई हैं। तो ये चीन से 4 औरतों का एक ग्रोह है जो कि बच्चियों को बाहर से इलाकों से लेके आते हैं और यहाँ पर ला के उनको बेच देते हैं। लेकिन इंतज़ामिया खामोश है, तमाशाई बनी हुई है। अब ये बच्ची जो है, अब देख लें ये कहाँ से रो रही है बेचारी यहाँ पे, और ये 2 घंटे से यहाँ पर बैठी है। इसको दिखाओ जी, ये 2 घंटे से यहाँ पर बैठ के बेचारी रो रही है। लेकिन ये कौन है, कहाँ से आई है, कोई अता पता नहीं है। अब लोगों ने ये बताया कि 3 से 4 औरतें आई हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको बैठाया और ख़ुद वो फरार हो गई हैं। यानी कि वो वही औरतें हैं जिनके बारे में हमको शिकायत दी और हमको बताया जा रहा था कि वो लड़कियां बाहर के इलाकों से लेके आती हैं और उनको यहां पर चंद पैसों की लालच में बेच देती हैं। इंतज़ामिया खामोश है, पुलिस तमाशाई बनी हुई है। लेकिन ये हालात इस वक्त दाता दरबार के बाहर कि आप यहां पर क्राइम का गढ़ बन चुका हुआ है, यहां पर इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, पुलिस रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब हमको पुलिस को बुलवाते हैं तो कार्रवाई नहीं करते। तो आईजी पंजाब साहब, एसपी सिटी साहब से मुतालबा है कि ये जो दरबार का एरिया है इसको खुदारा क्लियर करवाएं, यहाँ पर चेक इन बैलेंस रखें और देखें। अब ये बच्ची बेचारी रो रही है, कहाँ से आई है। तो नाज़रीन, ये वीडियो तो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।